भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच की सीरीज खेली जा रही है। शुक्रवार को सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराकर पहले मैच का बदला ले लिया है। अब दोनों टीमें सीरीज में एक एक से बराबरी पर हैं। सीरीज का तीसरा मैच रविवार को खेला जाएगा। इस मैच में ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वे वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 7,000 रन बनाने वाले ओपनर बन गए हैं। रोहित शर्मा ने उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अपने नाम की। भारतीय उपकप्तान ने इस मैच में 44 गेंद पर 42 रन बनाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच के दौरान रोहित शर्मा ने इस मैच में 18वां रन बनाते ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर अपने रनों की संख्या 7,000 के पार पहुंचा दी। इसके साथ ही वे वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित ने इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला और सचिन तेंदुलकर को पीछे कर दिया। 32 साल के रोहित शर्मा ने 137वीं पारी में ओपनिंग करते हुए 7,000 रन पूरे किए। अफ्रीकी ओपनर हाशिम अमला ने ये उपलब्धि 147 पारियों में हासिल की थी। सचिन तेंदुलकर ने 160 पारियों में ओपनिंग कर 7,000 रन का आंकड़ा छुआ था। रोहित शर्मा ने ओवरऑल 223 वनडे खेले हैं। उनके पास इन मैच में वनडे करियर के 9,000 रन पूरे करने का मौका था, लेकिन वह ऐसा करने से महज 4 रन दूर रह गए। रोहित ने वनडे करियर में 216 पारियों में 8,996 रन बनाए। इनमें 28 शतक और 43 अर्धशतक शामिल है। रोहित दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।